खबर छपरा बिहार से है, जहां भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा का एक बैठक सारण जिला के अमनौर प्रखंड स्थित भिल्दी मध्य विद्यालय पटराही खुर्द में पूर्व मुखिया रमेश राय एवं इप्टा भिल्दी अध्यक्ष की अध्यक्षता में की गई, जिसमें 16 राज्य सम्मेलन जो कि फरवरी 25, 26, 27 को 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा, इसकी तैयारियों को लेकर एक बैठक रखी गई, जिसमें सारण जिला के विभिन्न प्रखंडों से इप्टा के सचिव एवं सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित। बताते चले कि इप्टा एक सामाजिक संस्था है जो कि सामाजिक समरसता एवं सामाजिक एकता को बनाए रखने हेतु समय समय पर नाट्य कला के द्वारा लोगों को जागरूक करने का कार्य करती है। वहीं इस संस्था के द्वारा एक बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज सारण जिला के भिल्दी में एक बैठक की गई, जिसमें इप्टा बिहार महासचिव तनवीर अख्तर एवं तमाम सदस्य एवं कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं फरवरी में होने वाले कार्यक्रम को लेकर एक रूपरेखा तैयार की गई एवं सारण जिला के सभी प्रखंडों से आए इप्टा सचिवों ने अपना अपना विचार प्रकट किया। ऐसा माना जा रहा है कि इस 3 दिवसीय सम्मेलन में इस मंच पर बड़े बड़े हस्तियों का आने का संकेत भी मिला है और यह 3 दिवसीय सम्मेलन काफी रोचक होगा। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मढ़ौरा से दैनिक पेपर के पत्रकार भूपेश, भीम न्यूज पेपर से छपरा से न्यूज फैक्ट संपादक अमित रंजन, पूर्व प्रधानाध्यापक महात्मा प्रसाद गुप्ता, अजय कुमार, रंजिता देवी, आसिफा अहमद, पंकज कुमार तथा कई क्षेत्रों से आए इफ्टा के सदस्य भी रहे मौजूद। वहीं भिल्दी अध्यक्ष रमेश राय द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु मुख्य भूमिका के रूप में मौजूद रहेंगे। अपने साथियों के साथ इस कार्यक्रम को लेकर बिहार इफ्टा महासचिव तनवीर अख्तर एवं पूर्व मुखिया एवं इफ्टा सदस्य रमेश राय का क्या कुछ कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। इफ्टा के आप यहाँ से अध्यक्ष, एक बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही है भिल्दी में, आपको क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, भिल्दी इफ्टा जो है यहाँ बहुत पुराना, यहाँ सदस्य हैं लोग यहाँ के भिल्दी में, और भिल्दी में इस तरह का और कार्यक्रम हुआ था, कबीर कन्हैया जयंती हम लोग विस्तार रूप से मनाए थे, बखूबी उस जिम्मेवारी को हम लोग निभाए थे। और फिर यह जो 16वां महाधिवेशन जो होने जा रहा है 11 स्तरीय, इस सम्मेलन को अभी हम लोग बखूबी निभाएंगे। इसमें हमारे छपरा के तमाम इप्टा के साथी इसमें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, खास करके सुतिहार इप्टा की भागीदारी बहुत ज़्यादा है, और खास करके राज्य इकाई महासचिव जो तनवीर अख्तर साहब हैं, इनका बहुत बड़ा सहयोग, इनके मार्गदर्शन में हम लोग। किस तरह का बैठक का आयोजन आज भिल्दी में हुआ सर, और किस संस्था के माध्यम से? भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा का 16वां राज्य सम्मेलन भिल्दी में होने वाला है, इसी को लेकर एक बड़ी बैठक हमारे छपरा जिला में, सारण जिला में जितने भी इकाइयां पड़ती हैं उनके साथ यहां बैठक की, और रमेश जी के नेतृत्व में ये सम्मेलन संपन्न होगा फरवरी में 25, 26, 27 फरवरी को 2023 में, ये बिहार इप्टा का 16वां राज्य सम्मेलन संपन्न होगा, उसी की। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? मुख्य उद्देश्य ये है कि आज जो समाज में जो हालात है और एक बड़ी लंबी खाई जो खींची जा रही है अमीरों की और गरीबों की, उसको ध्यान में रख करके ये सम्मेलन होगा। देश के संविधान पर जो आज खतरा है, संविधान का शपथ लेकर के लोग संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, और लगातार बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो, ये सारे मुद्दों से सारी जनता त्रस्त है, और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में इप्टा का ये पहला सम्मेलन होने जा रहा है, और हम लोग का उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संवाद हम बढ़ाएँ। क्या नाम पड़ेगा सर, और इस संस्था में क्या किस पद पे हैं? मेरा नाम तनवीर अख्तर हुआ, महासचिव इप्टा बिहार।